सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा आज सभी दर्शकों से कि आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर दीजिए अगर देना चाहें तो, और धैर्य अगर हो तो जरूर दीजिए, क्योंकि इतने सारे कमेंट आएंगे तो उसमें से मैं 10 कुंडली लेता हूं, और क्या करूं उससे ज्यादा लूंगा तो कैसे बोल पाऊंगा, मैं इतना सा बच्चा हूं, आप समझ रहे हैं मुझे। एक बात और कहूंगा कि डिटेल में AM PM का विशेष ख्याल रखें, जन्म स्थान ऐसा लिखें जो प्रायः मिल सके, प्रायः जिला वगैरह हो तो ये ठीक होगा, और उसके बाद कल का कार्यक्रम जरूर देखा करिए, क्योंकि होता क्या है आप लोग डिटेल दे तो देते हैं, मैं उसे कुंडली के तौर पे जान भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, और फिर वही व्यक्ति उलट के पूछता है कि गुरु जी आपने मेरी कुंडली नहीं ली, और उसका मैं कोई डिटेल रखता नहीं कि किनकी कुंडली रखी है और किनका नहीं रखा है। तो आप लोग आज के कार्यक्रम में कमेंट में देने के बाद कल का कार्यक्रम तो पूरा कम से कम देख लीजिए, ये पक्की बात है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, सवाल अच्छा पूछिए जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, और तब तक के लिए, और रुष्ट मत होइए, रुष्ट नहीं होना है, मैं हूं ना, मैं हूं, और प्रयास हमेशा आप लोग के लिए कर रहा, हमेशा करूंगा, भगवान मुझे उतना ऊंचा कभी ना उठाए कि आप लोगों को माथे पर ना बिठा सकूं, और आप मुझे अपने चरणों में स्थान ना दे सके, ये बात है। तब तक के लिए कार्यक्रम अंतिम तक देख के जाइएगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शनिवार है और भाविन पटेल जी की कुंडली के लग्न और आज दशमांश के साथ उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली। दशमांश कुंडली का अध्ययन मुख्यतया आपकी कुंडली के दशम स्थान का और उसका विशद विश्लेषण होता है। एक बात बताऊँ, मुझे तो इसी की चिंता रहती है, आने वाले समय में अगर हमने आज जल का आरक्षण नहीं किया तो कल क्या पिएंगे हम, बड़ी चिंता होती है, और हर बार यही सोचता हूँ जब भी नहाने जाता हूँ, स्नान में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, हर बार यही चिंता खाए रहती है। सबसे ज़्यादा मुझे अगर किसी चीज़ की चिंता होती है तो इस जल की होती है, तो बचा लिया करिए, बूंद भी बचेगा तो बहुत बच जाएगा। आज वैसे भी शिक्षक दिवस है, हम सभी इधर उधर मशगूल हैं अपने अपने कामों में, लेकिन जो चीज़ अछूता छूट रहा है वो हमारी धरती माता का गर्भगृह और गर्भ से निकलने वाला जल है, जो यूं ही नुकसान में हम लोगों के द्वारा लाया जाता रहा है, तो थोड़ा गौर करिएगा। आइए, ये इनका लग्न चार्ट और ये है दशमांश। मैंने कहा दशमांश चार्ट का हमेशा अध्ययन कैरियर के परिप्रेक्ष्य में और कैरियर के बहुत बेहतरीन विश्लेषण के लिए किया जाता है, उसके सूक्ष्म विश्लेषण का अगर संभव हो पाए तो दशमांश से जरूर देख लेना चाहिए। परंतु उसके लिए कि जब आप दशमांश कुंडली का अध्ययन करते हो, ध्यान दीजिएगा, कब उसके लिए, जब भी आप दशमांश कुंडली का अध्ययन करते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले लग्न चार्ट में से किसी एक ग्रह को निकालना होता है, उस ग्रह की पुष्टि नवमांश चार्ट में जाकर के करनी होती है, तदुपरांत आपको दशमांश पे आना होता है। कल के कार्यक्रम को इन्होंने देखा था, ये दुबई में है, इन्होंने बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रशंसा करी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, आप मेरे पितृतुल्य हैं, और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो आगे बढ़ना तय ही होगा, और फिर उस आगे बढ़ने का कोई मतलब भी तो नहीं है, उस आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है जहाँ मैं आप लोगों को और अपने लोगों को भूल जाऊँ। कोई भी व्यक्ति ये ना कहे और कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि मैं उसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार नहीं करता, और कोई भी ये ना समझे कि उसकी प्रतिक्रिया मैं नहीं पढ़ता। हाँ, एक बात बहुत अच्छे तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा आज के कार्यक्रम में, मैंने शुरू में वादा किया था कि हर बार आप लोगों की प्रतिक्रिया का तुरंत ही उत्तर देना चाहूँगा, और चाहता भी हूँ और करने का प्रयास भी करता हूँ, लेकिन आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं उसमें पिछड़ रहा हूँ, उत्तर देना संभव नहीं होता है कभी कभी, और व्यस्तता के कारण उसको कम देख पा रहा हूँ, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। और बाकी तो लोग लिखते भी हैं कि आप जवाब नहीं देते हैं, मैं प्रयास करता हूँ हर बार और तुरंत ही जवाब देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप लोग निकल जाते हैं आगे, संख्या ज़्यादा हो जाती है तो छूट जाती हैं चीज़ें, कोई बात नहीं, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं,
ये लग्न कुजाट जो कि मकर लग्न की बनी थी, लग्न में ही उच्च के अधिपति थे। इनके धन भाव को मैं थोड़ा सा और अगर बेहतरीन से आपको समझाऊं तो समझिएगा ये कुंडली धन के मामले में कितनी श्रेष्ठ साबित हो रही है और कैसी स्थितियां बन रही। इनकी कुंडली में दशा क्रम में राहु की दशा भी अच्छी जाएगी, मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी, चंद्रमा बुध और शुक्र की दशाएं भी अच्छी जाएंगी। वो धीरे धीरे निकल जाएंगी, यूं ही निकल जाएंगी, पता नहीं चलेगा। अभी मंगल की दशा है इनकी कुंडली में, धन के मामले में लाभ का अधिपति हुआ और लग्न में ही जाकर के उच्च के हुए और बैठे किसके साथ, तो भाग्य के अधिपति के साथ। तो भाग्येश और लाभेश का अगर संबंध बने ये बेहतर होता है। ये पहली बात व्यक्ति के धन के मामले में सुरक्षा दे रही है। और वैसे भी यहाँ पे ये शेयर सट्टेबाजी और लॉटरी आदि का भाव होता है, गुप्त धन का मालिक सूर्य है, वो धन भाव में बैठा है, ये चीज़ें भी ठीक बन रही हैं। और धन भाव को वापस बैठ करके अष्टम भाव को देख रहा है, ये चीज़ें भी अच्छी बनती हैं। आपकी भी कुंडली में अगर ये स्थिति बने कि लाभ का अधिपति उच्च का हो रहा हो कहीं भी भाव में, अगर वो खास करके केंद्र में आता हो तब तो और अच्छी बात है, बहुत बेहतर हो जाता है। मतलब ये सर्वोत्तम सुखों का प्रदाता और संपूर्ण चीज़ों का लाभ देने वाला होता है। एक बात और बताऊं, ये तो पहली स्थिति थी। दूसरी, लग्न में अगर कोई भी ग्रह उच्च का हो और खास करके वो अगर भाग्य के अधिपति के साथ बैठा, या ऋण का अधिपति अगर परिवर्तन में हो या भाग्य के अधिपति के साथ उसका परिवर्तन हो रहा हो और खास करके लग्नेश के साथ, तो ये भी अच्छी बात होती है। ये कुंडली को दिशा और दशा में अच्छा प्रयास करने वाली और अच्छी सफलता दिलाने वाली होती है। क्लियर है, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, धन भाव के अधिपति बनते हैं शनि, और शनि धन भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचम्यस्त गए। ऋण का अधिपति धन में ये व्यक्ति को ऋणी तो बनाती है, बनाता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को रिस्क लेने वाला बनाता है। व्यक्ति बड़े से बड़ा रिस्क आसानी से खेल जाता है। और एक बात बताऊं तो इनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा और मंगल और बुध की स्थिति बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। मतलब अगर दोनों ग्रह क्रमशः आत्मा और हमारा मन अगर एक साथ हो जाए तो क्या कहना है। और वो दोनों ही चीज़ें इनकी कुंडली में आसानी से और सरलता से देखी जा सकती हैं। चलित कुंडली में कोई भी ग्रह बदल नहीं रहा है और सारे के सारे ग्रह यथावत ही हैं, कुछ भी बदलाव नहीं है। मतलब भाव और ना ग्रह, सब वही के वही। और एक बात बताऊं तो नौमांस में तो इनकी कुंडली इसी लग्न की ही बन रही है, ये तो वर्ग उत्तम हो जाता है। तब तो अति उत्तम ये चीजें हो जाती हैं कि आपकी कुंडली में लग्न का अधिपति जो लग्न कुंडली में बनता हो वही नौमांस में भी उसी लग्न और उसी संख्या की राशि से नौमांस का निर्माण होता हो, तो ये कुंडली को और दरअसल भावों को प्रभावित होने से बचा लेता है और उसके बाद ग्रहों को फल करने में कठिनाई महसूस नहीं होती है। बात समझ में आई। यहां धन के अधिपति अपने भाव से पंचमस्त गए, बुध के साथ जो कि भाग्येश और सुख के ऋण के अधिपति होते हैं परिवर्तन में गए। मैंने कल इनकी कुंडली में दो बातें थोड़ी सी ध्यान में नहीं देख रखी थी, इनकी कुंडली में राहु का और बुध का, राहु और शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, चंद्रमा और केतु का भी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये अच्छा होगा। एक बात और बताता हूँ, समझिएगा, इनकी कुंडली को अगर ध्यान से समझते हैं तो धन भाव के अधिपति को समझिए। धन भाव के अधिपति हुए शनि, धन भाव के अधिपति हुए शनि, वो किससे केंद्र में है, ये बहुत अद्भुत सूत्र होता है, ये अपनी कुंडली पे भी आजमा के देखिएगा कि अगर धन भाव का अधिपति किसी भी शुभ ग्रह से, शुभ ग्रह यानी कि बुध, चंद्रमा, शुक्र और गुरु, अगर इन सभी ग्रहों से केंद्र में आता हो या फिर इनसे दृष्ट होता हो, तो ध्यान दीजिए, धन का अधिपति शनि अपने भाव से सबसे पहले तो पंचमस्त गया, चंद्रमा से दृष्ट हो रहा है जो कि एक शुभ ग्रह हुआ और वो बनता भी है तो सप्तम भाव का अधिपति। शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध यहाँ पे चूंकि ये डेली बेसिस के इनकम और आय का और प्रभाव का भाव होता है, उससे अगर ये दृष्ट होगा, चंद्रमा कुंडली में कारक होते हैं तो ये प्रभाव रहा, एक शुभ ग्रह चंद्रमा देखा, दूसरे दो दो शुभ ग्रहों से ये केंद्र में आ रहे हैं अपने भाव से चतुर्थस्थ जाके, एक दो तीन चार, अगर गुरु से, शुक्र से, चंद्रमा से और बुध से, अगर कहीं से भी धन भाव के अधिपति का संबंध बन रहा हो ना, तो
तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। और व्यक्ति को धन के मामले में कभी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को गुप्त धन भी कई तरीके से अनायास यूं ही लॉटरी सट्टेबाजी, शेयर सट्टेबाजी, इन्वेस्टमेंट आदि से मिल जाते हैं, क्योंकि षडबल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की स्थिति बड़ी बेहतरीन है। ये बात बनती है। अब इनकी कुंडली में दशमांश पे आता हूं। दशमांश में इनकी कुंडली अगर देखता हूं तो लग्न बन रहा है कन्या का, और वो भाग्य में बन रहा था, यानी कि यहां भी वो उस अच्छे भाव का अधिपति और यहां वो तो लग्न का अधिपति ही बन रहा है। लग्न का अधिपति हुआ लेकिन अष्टम में बैठा। लग्न का अधिपति अष्टम में जाए और वो भी कर्म का अधिपति, कर्मेश हो, मतलब दशम भाव जो कि कर्म का भाव होता है, यहाँ पे व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये बात दिखा रहा है कि जरूर ही व्यक्ति को काम शुरू करने में और आरंभ में तकलीफें मिली हैं। व्यक्ति लड़ा है, जीता है और मेहनत भी करी है उसने, क्योंकि उस पे केतु के साथ उसकी स्थिति बन रही है और ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ करता है, आरंभ में बड़ी तकलीफ देता है। बाद में धीरे धीरे स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि गुरु की स्थिति भाग्य भाव पे है और वही राशि यहाँ पे लग्न में बन रही है, तो ये बात है। पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शनि। ये संबंध देखिएगा कितना बेहतर है इनकी कुंडली का। पंचम भाव के अधिपति बने शनि, वहाँ पे एक खुद शुभग्रह बैठा, और कौन बैठा? वो आपकी कुंडली का लाभेश, लाभ का अधिपति पंचम में बैठा, जीवन के पर्याप्त प्रकार के लाभों को देने वाला और लाभ में बैठ कर लाभ को देखा। और दूसरी बात कि वो अगर गौर करिए तो यहाँ का अधिपति केंद्र त्रिकोण योग बना रहा है, क्योंकि केंद्र का त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में बैठा है, और किसके साथ? गुरु के साथ, जो कि अपनी ही राशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। ये कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूत कहा जाता है इसे, कि त्रिकोण का अधिपति लाभेश उसको श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये स्थितियाँ आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं और करने का दावा भी कर रही हैं, ये बात भी पक्की है। क्योंकि चंद्रमा, हाँ, जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो मंगल को जरूर देखें, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से देखना जरूरी है। और एक बात और बताऊं तो शनि को भी थोड़ा देख लीजिएगा, या उस दशा में, जिस ग्रह की दशा में आप एक्टिव हैं लगाने के लिए, उस दशा के अधिपति को उस समय की स्थिति से जरूर देख लेना चाहिए कि उसकी स्थिति गोचर में कैसी जा रही है और कैसा फल करने वाला है। वर्ष कुंडली हो सके तो देख लीजिए, ये बातें बनती हैं। तो लाभ का अधिपति पंचम में बैठा, लाभ को देखा, ये बेहतरीन। और उसके बाद गुरु और शनि, यहाँ पे केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है, क्योंकि त्रिकोण का अधिपति केंद्र में और केंद्र का अधिपति केंद्र में ही बैठा है। यहाँ से पांचवी दृष्टि से गुरु अष्टम भाव को देख रहे हैं, ये धन देते हैं, और एक बार नहीं कई बार व्यक्ति लाखों करोड़ों में आराम से इन्वेस्टमेंट करता है, श्रेष्ठ लाभ कमाता है और जीवन में कई बार, ध्यान से समझिएगा, जीवन में कई बार अनायास यूं ही काम इसके बन जाते हैं, रुकता नहीं है, आसानी से काम करा लेता है। और एक बात बताऊं तो बहुत अच्छी बात इनकी कुंडली में धन को लेकर के कई सारी स्थितियां बन रही हैं जो धन को लेकर के चिंता ना करने को कहती है। दशम भाव का अधिपति बुध अपने भाव से अस्तमस्त गया है। ये क्या कहता है? अष्टम भाव है, विदेश भाव इसे कहा जाता है। बाहर जाकर के व्यक्ति काम कर रहा है, सीधी सी बात है, और वो क्यों फ्लरिश कर रहा है? फ्लरिश क्यों, आगे क्यों बढ़ा? नहीं तो जाकर के वहां भी तो रो सकता था ना, उसकी स्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल हो सकती थी। और धन आया और गया, या आया और खर्च भी हुआ, या कभी ज्यादा कभी कम हुआ, ये क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे 12वें हैं और यहाँ भी वो लाभ के अधिपति बनते हैं और उसको वो देखेंगे। और कहीं ना कहीं अगर कुंडली में इनकी स्थिति अकेले बन रही हो, एक तरफ राहु दूसरी तरफ मंगल, तो वो पापकर्त्री में भी फंसेंगे। और यहाँ पे अगर देखता हूँ तो इसके आगे कोई ग्रह नहीं है, तो इसके आगे अगर कोई ग्रह नहीं होता है तो चंद्रमा थोड़ा सा विचलित होता है और मन को इन्वेस्ट करने के बाद डराता है, वो दरअसल डर जाता है और रात रात भर कई बार जाग जाता है, रात रात भर कई बार जाग जाता है। और ये स्थिति पक्की होगी, मतलब डर कहीं ना कहीं है, लगा देगा लेकिन डरेगा बाद में, बाद में डरना पक्का है ये बात, क्योंकि चंद्रमा उसको सुरक्षा का भाव देने ही नहीं देते, मन सुरक्षित होता ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे कोई ग्रह नहीं है, वो बंधा नहीं है ना, वो बंधा नहीं है। और ऋण का अधिपति तो सुख में बैठा है, वैसे भी मूल त्रिकोण राशि है उसकी, ऋण लीजिए, आगे बढ़िए, ये बात बनती है। अब ये स्थिति अगर कुंडली में मैं समझ रहा हूँ तो बन रही है। उसके बाद अगर देखता हूँ तो यहाँ पे धन भाव का अधिपति या दशम भाव का अधिपति अगर देखता हूँ तो यहाँ भी राहु जो है वो तुला का है, मंगल स्वराशि के हैं, शुक्र स्वराशि के हैं, बुध गुरु से दृष्ट हो रहा है जो कि मूल त्रिकोणस्थ हैं और केंद्र त्रिकोण के योग में अपने आप को भी प्रबल बना रहे हैं और शनि को भी मजबूती दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ, काम करने के लिए ये भाव आपको जन्मस्थान से दूर भेजता है, यहाँ भी और यहाँ भी,
ये स्तुतियाँ बन रही थी और यहाँ भी वो बन रही हैं, क्योंकि काम का अधिपति जो कर्म भाव है वहाँ का अधिपति अस्तम में गया है और वो कहीं ना कहीं यात्रा, विदेश देशों में घूमना, कई जगहों से संपर्क करना, कई देशों की सभ्यताओं को जानना, कई लोगों से मिलना, उच्च पदस्थ अधिकारी से बात करना और आसानी से अपनी स्थिति को मजबूती से उपस्थित कर पाता है। एक बात जो कि बहुत अच्छी है इनकी कुंडली में कि व्यक्ति का आत्मविश्वास बली तो है लेकिन उसका मन और उसका दिल बहुत ज़्यादा बलवान है। और दरअसल एक बात और बताऊं तो चंद्रमा व्यय में है, अपने आप को हमेशा सहेजने का और समेटने का प्रयास करिए, अपने आप को बांधिए और अपनी स्थिति को मजबूती की तरफ, ईश्वरीय शक्ति की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी आप मानवीय गुणों से युक्त हैं, ईश्वरीय गुणों की कमी है। कारण क्योंकि मंगल की राशि का बनना, मंगल की उच्च राशि का निर्माण होना और शनि से प्रभावित होना, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हैं और दिल से भी ज़्यादा सोचते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धन के पीछे व्यक्ति भागेगा क्योंकि सूर्य है ना, वो भूखा बनाता है, भूख देता है, धन से व्यक्ति को भूखा बना देता है। सांसारिक सुखों का भोग और अगर सुख की बात करते हैं तो वो है इस कुंडली में, बेहतरीन है, उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन मान पद प्रतिष्ठा, परिवार का सुख, माता पिता, सब प्रकार के सुखों का भोक्ता व्यक्ति को गुरु यहाँ पे बनाएंगे। कर्म से व्यक्ति अपने समस्त प्रकार के सुखों का भोक्ता होता है। कर्म भाव अच्छा बन रहा है, गुरु से दृष्ट हो रहा है, गुरु से वो राशि दृष्ट हो रही है, गुरु यहाँ से सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, गुरु यहाँ से इनको देख रहे हैं, अब क्या चाहिए। भाग्य का अधिपति भाग्य में, कर्म में भाग्य का सहयोग मिला, पराक्रम का लाभ, व्यक्ति मेहनत करता है और जबरदस्त करता है, क्योंकि यहां भी गुरु और शुक्र दो दो ग्रह बैठे हैं, ये बात बनती है। चंद्रमा से गुरु का केंद्र में जाना, ये बातें जो बन रही हैं वो निश्चित रूप से व्यक्ति को एक श्रेष्ठ कुंडली का मालिक बनाती हैं। और एक बात बताऊं तो ये जो कुंडलियां होती हैं वो यूं ही नहीं होती हैं, वो यूं ही नहीं होती हैं, उसके पीछे आपके पिछले कई जन्मों का कर्म और पिछले कई जन्मों के जुटाए हुए कर्मों का भोग और ये ग्राफ होता है। इसको जो लोग सामान्य समझते हैं वो अपने आप को सामान्य समझ लें, कुंडली को सामान्य समझने की भूल कभी ना करें। इस कुंडलियों को और इन कुंडलियों को अगर कोई अगर सामान्य कहता होगा और सिर्फ इस बात का दंभ भरता होगा कि नहीं कर्म सब कुछ है, ये कुंडली और पुंडली कुछ होती नहीं है, सामान्यतः लोग कहते हैं, मैं सुनता हूँ, तो उसके लिए एक ही बात कहूँगा, सामान्य आप हैं श्रीमान। ये कुंडली कब से सामान्य होने लगी, ये सामान्य नहीं है, ये दरअसल आपको मिलने वाले आशीर्वाद और आपके मिलने वाले कुकर्मों के फल का निर्धारण करती है। और दरअसल व्यक्ति तो डर भी जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं सामने से उसके कृत्य दिख जाएंगे इस कुंडली के माध्यम से, इस वजह से वो डरता है। अब आपकी कुंडली में कुछ निगेटिव चीजें बता देता हूं, थोड़ा बन के रही। मैंने बात कही थी कि आपकी कुंडली में कुछ अलग तरीके की और कुछ कुंडली की कमजोरियों को बताता हूं जो आपकी कुंडली में हैं, वास्तव में उसको समझना जरूरी है। क्या है, देखिए, सप्तम भाव का अधिपति कहाँ बैठा है, दुह स्थान में। सप्तम भाव का अधिपति अगर छठे आठवें बारहवें में जाता है वो तो कई प्रकार की तकलीफें भी देता है, दाम्पत्य को लेकर के भी देता है, आय को लेकर के भी देता है, सामाजिक छवि को लेकर के भी देता है, प्रतिष्ठा को लेकर के भी देता है, समाज में बनने वाली स्थितियों के बारे में भी देता है। और चूंकि वो मन का, आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है तो उसको वो प्रभावित करता है। लेकिन आपकी कुंडली में ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की राशि बनी और वो दुह स्थान में चले गए। सप्तम का अधिपति अगर दुह स्थान में जाता है तो अचल संपत्ति बनाने में बड़ी तकलीफ करता है, वो देखा गया, ये कई बार चीज़ें देखी गई हैं, तो इस वजह से उसमें इकट्ठा करिए और उसमें अपने आप को थोड़ा उसको इकट्ठा करने का प्रयास करिए, अचल संपत्ति कमाने का और अचल संपत्ति बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि वो उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पैसे हाथ में होते हुए भी कई बार वो इकट्ठा नहीं हो पाती हैं चीज़ें, उसको करिए। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कुछ ऐसे क्षेत्र में करिए ताकि उसकी एक संपत्ति आपकी तैयार हो सके, क्योंकि सप्तमेश का दो स्थान में जाना इन सभी मामलों में तकलीफें देता। दूसरी बात, चंद्रमा और मंगल ये धन देने वाले तो बनेंगे, धन के मामले में इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, ये बेहतरीन है, लेकिन उसका एक नेगेटिव पक्ष ये होता है, नकारात्मक पहलू ये होता है कि व्यक्ति को बड़ी उग्र बना देता है, इंतज़ार नहीं होता है व्यक्ति से, और कई बार ऐसे लोगों के चक्कर में भी प्रायः फंसते रहता है कि मुझे कोई ये बता दे, कोई ये बता दे, कोई मुझे ये बता देता, कोई मुझे वो बता देता, और ऐसी स्थितियों में उसके पैसे प्रायः कई बार गए हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा कम करिए, मिनिमाइज़ करिए इसको, कोई भी आपको आपसे बेहतर जान ही नहीं सकता है,
कोई भी आपको आपसे बेहतर जान ही नहीं सकता है। ये चंद्रमा और मंगल की स्थिति ऐसी है कि व्यक्ति को ऐसा बनाते हैं, ये गौर करिएगा, ये बहुत समझने वाली बात है, कि व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इनसे पाखंड में फंस जाता है। अगर क्लियर बोलूं तो पाखंड में फंस जाता है, इसको मत होने दीजिएगा। और उसके बाद आपकी कुंडली में सब दशम भाव के अधिपति अपने भाव से अष्टमस्त गए हैं, मतलब छठे आठवें के संबंध में हैं, अपने भाव के अधिपति अष्टमस्त गए हैं, छठे सातवें के, यहाँ से पाँच और छः, छठे आठवें का संबंध बना, लेकिन वो त्रिक भाव में गए हैं और उच्च के होकर के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को धन कमाने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ा है और व्यक्ति ने कई दरअसल बुरे वक्त भी देखे हैं जीवन में, कई बुरे वक्त भी देखे हैं। ये आपकी कुंडली थी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। स्थितियाँ बिल्कुल अच्छी हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। आपकी कुंडली के लिए सर्वाधिक जो मजबूत स्थिति बन रही है वो अगर कभी भी इन्वेस्ट करना हो तो वृश्चिक राशि के शहरों में, वृश्चिक राशि के लोगों के साथ। और कभी भी याद करिएगा, हमेशा गणेश जी की पूजा आपकी कुंडली में बेहतरीन बनती है। गणेश जी की पूजा हमेशा करते रहिएगा, उनको ही आपकी कुंडली को देख करके एक बात समझ में आती है। व्यक्ति धार्मिक है, पूजा पाठ भी करेगा, क्योंकि गुरु भाग्य भाव को देख रहे हैं, वहाँ का अधिपति लग्न में है, यह व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, बड़े और गुरुजनों का आदर करने वाला, सबका सम्मान करने वाला बनाता है। लेकिन फिर भी गणेश जी की आराधना बहुत बनती है, क्योंकि ये लग्न में बैठे हैं और ये अगर भगवान गणेश जी की व्यक्ति से पूजा करवा लें तो बड़ी और ज़्यादा बेहतरीन स्थिति में ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस कुंडली पे कभी भी कोई सवाल पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, मैं हूँ आपके लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।